नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। खबर फर्रुखाबाद से। देश में बिजली विभाग में बिजली आपूर्ति से लेकर बिलिंग में प्राइवेट कंपनियों को सरकार की भागीदारी देने के विरोध में बिजली विभाग के सभी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। प्रधानमंत्री संबोधित 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अपने अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें कर्मचारियों ने कहा है कि 2014 का जो सरकार का नियम है उससे बिजली उपभोक्ताओं से अधिक बिल वसूला जाएगा। यदि सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को नहीं हटाया तो देश के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल शुरू कर सकते हैं। और साथ ही केंद्र सरकार निजी कंपनियों से बिजली की खरीदारी कर रही है, वह महंगी है, जिसका बोझ सीधा जनता पर पड़ रहा है। बिजली कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन से पूरे जिले बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है और बहुत से मोहल्लों में लाइन टूटने के बाद भी सही नहीं किया जा सका। बस्ती जिले की आशा वर्कर और संगिनी 2 दिवसीय हड़ताल पर थी और लगातार 48 घंटे से काम कलम बंद हड़ताल पर हैं, जिसमें मंडल अध्यक्ष विमला यादव, संजय चौधरी और राजेंद्र प्रसाद रावत आदि लोग नारेबाजी करते हुए बस्ती जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना दिए। साथ ही आपको बता दें कि आशाओं को कमीशन नहीं, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया, पेंशन समेत मातृत्व अवकाश और सामाजिक सुरक्षा चाहिए और साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को स्थायी कार्यक्रम बनाए जिसके लिए पर्याप्त धन सरकार आवंटन करे और आशाओं को उचित प्रशिक्षण 2 और ANM के पद पर नियुक्ति हेतु 100% आरक्षण चाहिए। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के दुर्व्यवहार से नाराज जूनियर इंजीनियर ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। धरने पर बैठे इंजीनियर ने जमकर नारेबाजी करके रोष प्रदर्शन किया है। धरने पर बैठे जूनियर इंजीनियरों ने अधीक्षण अभियंता पर गाली देने का आरोप लगाया है। जूनियर इंजीनियरों ने अधीक्षण अभियंता से माफी मांगी। अभियंता महोदय द्वारा विभागीय कार्य हेतु और अभियंताओं को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। मीटिंग में बात करते करते अधीक्षण अभियंता महोदय जय संगठन के सदस्यों को और पुरोनसात अभियंताओं को असंसदीय भाषा में गाली का प्रयोग करने लगे, जिसमें चोर कहना उन्होंने शुरू कर दिया, जिसके कारण इस समय जय संगठन अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध आक्रोशित है और उनके माफी मांगने तक के लिए धरने पर बैठा हुआ है। आगे क्या करेंगे आप लोगों अगर जब तक अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा माफ़ी लिखित रूप में नहीं मांगी जाती है, यही संगठन अपना कार्यक्रम चलाएगा। यहाँ 2 दिन के बाद सोमवार से हम अपना कार्यक्रम बस्ती में मुख्य अभियंता के विरुद्ध मुख्य अभियंता कार्यालय पर यही संगठन चला जाएगा, जिसमें जोन के सारे जनपद सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीरनगर तीनों जनपदों के अवर अभियंता एवं पूर्ण सहायक अभियंता धरने पर अधीक्षण अभियंता के खिलाफ बैठे रहेंगे। ताजनगरी आगरा में को 2 जिलों में बांटे जाने की खबर चलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दरअसल जिला प्रशासन आगरा का कहना है कि आगरा जनपद को 2 जिलों में बांटे जाने की खबर नितांत झूठी है। इस मामले में न ही कोई जिला प्रशासन और राजस्व परिषद से रिपोर्ट मांगी गई थी और न ही इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। ADM सिटी आगरा KP सिंह ने दावा किया है कि आगरा को फिलहाल 2 जिलों में बांटे जाने की कोई सूचना नहीं है। वह जिला बनाने से संबंधित जो भी खबर है नितांत झूठी खबर है और इस तरह का कोई प्रपोजल या किसी प्रकार की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। मेरठ में हत्याओं के मामले में के गवाहों की जान राम भरोसे है। गवाहों की जान पूरी तरह से खतरे में आ गई है। दरअसल मामला थाना सरूरपुर क्षेत्र के राजापुर गांव का है। यहां पर 2016 में एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसकी गवाही में 2 साल बाद यानी 2018 उसकी गवाही में गवाहमा सावित्री देवी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने सुरक्षा गार्ड देते हुए जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि कुछ दिन पहले उसकी जान सुरक्षा हटा दी गई थी, जबकि मितन के मोबाइल नंबर को भी DM के PRO ने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। मितन ने आरोप लगाया है कि DM साहब उससे बात नहीं करना चाहते। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या मेरठ में गवाहों की जान अब भगवान भरोसे है। हालांकि आज मितन ने SSP से जान की दुहाई देते हुए सुरक्षा देने के गुहार लगाते हुए कहा है कि उसकी जान को खतरा है और उसकी गवाही नहीं कराई जा रही है। मैं गवाही के लिए आया जी, मेरी गवाही पर सरकारी गवाह कोई नहीं पहुँच रहा जी। लगभग 3 साल से जी मैं घर में कैद हूँ। पहले मेरे भाई मार 13/7/2016 को जी, फिर मैं मेरी माँ गवाह थी, फिर मेरी माँ को भी गोली मार दी, 3 लोग मेरी माँ की भी गोली मार दी थी, फिर 12 तारीख को मेरी जीजा को भी गोली मार दी। हम जब से घर में कैद हैं जी, हम भूख के मरने के कागार पा रही थी इस टाइम जी, हमारी कोई नहीं सुन रही। कहीं DM साहब के पास फ़ोन मिला हूँ जी, उनके प्यारों ने जी मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा जी। पहले PSC थी जी, PSC हट गई। जब से PSC हटी जी, जब से हम बिल्कुल परेशान ज़्यादा हो रही है। उस तरह हमें जो खाना बचा हुआ था PSC का जी, उसमें कुछ ज़्यादा कर रहे थे। झगड़ा किससे था? सुमित जार से था जी।
उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब संविदा कर्मी शटडाउन को लेकर विद्युत लाइन को ठीक कर रहा था। अचानक विद्युत लाइन में करंट दौड़ने से उसकी झुलस कर दर्दनाक मौत हो गई। संविदा कर्मी की मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौत से गुस्साए परिजनों ने विद्युत अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की, लेकिन विद्युत अधिकारियों ने के मौके पर न पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीणों के आक्रोश के चलते ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर बुलंदशहर बदायूं नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा रहे ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की। हंगामा होता देख पूर्व विधायक गुड्डू पंडित मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और जाम भी खुलवाया। बाकी कैसे हुआ उसकी तो हम लोग जाँच करवा रहे हैं। जाँच करवा रहे हैं, देखते हैं ये क्यों इंस्टीट्यूट हुआ था, क्योंकि शटडाउन था उसके बाद भी ये दिक्कत आई है। अभी इसकी क्या आत्मत, अभी उन्होंने 5 लाख रुपये उनको तुरंत उनकी पत्नी के नाम से काटते दे दिए और इंश्योरेंस का भी पैसा भी, बाकी पेंशन स्कीम में ये इन्वॉल्व हैं तो इन्हें पेंशन भी जो इस वक्त बेसिक और डीए चल रहा है उसके हिसाब से तकरीबन 8,500 रुपये। बस्ती में बीडीसी मेंबर के अपहरण की सूचना जैसे ही आम हुई तो जिले में सनसनी फैल गई। एसपी ऑफिस पर समाजवादी पार्टी के नेता गायब बीडीसी सदस्य की मां को लेकर कार्यवाही के लिए पहुंचे। दरअसल एसपी को भेजे पत्र में कहा गया है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य गायत्री देवी के पति रामजी को धोखे से गाड़ी में बैठाकर कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया गया। अब रामजी को धमका कर जबरन अविश्वास लाने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि रामजी मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के सबसे करीबी हैं, जिन्हें तोड़ने पर प्रमुख ही की तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या हुआ गुड्डू सिंह, हम लाला पकड़ के लेके गए हैं, वही वास्ते हम आए हैं। कब ले गए? 7 बजे शाम को। किस दिन, आज या कल? कब? कल। अच्छा, क्या कह कर ले गए? कहा कि गाड़ी खड़ी है और नाने जाएगा बहराए जाएगा और तुम चलो छोड़ के वहाँ से चले आना। बढ़ते आगे, सूबे के मुखिया ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला हेल्प 190 से लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का गठन भले ही किया हो, लेकिन महिलाएं इस सब के बावजूद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। किसी न किसी रूप में शातिर अपराधी बखूबी घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर होते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला फतेहपुर में गुजरा, जहां घर अकेली महिला के साथ घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी रात के समय अपने साथियों के साथ पीड़िता के घर में घुस गया था और तमंचे के बल पर अपने साथियों के साथ बारी बारी पीड़िता से रेप किया और पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। तो वहीं पीड़िता का कहना है कि सब लोग छत से कूदकर आए थे और लाइट बुझाकर राजा ने गलत काम किया और उसके साथियों ने हमारा गला भी दबाया। तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक राहुल राज ने बताया कि अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आए थे सब लोग, कूद गए थे, इसके बाद में लाइट बुता दिए थे, राजा ने गलत काम किया है, तमंचा लेके ठार हो गया है, फिर इसके बाद में बिच्छू कर रहा है, बिच्छू से राजा भी लल्लू किया है, लल्लू के बाद में जब गलत दबाए रहा है राजा तमंचा लेके, तब हमारी लड़की चिल्लानी है, हम तो बोल नहीं पाए थे, लड़की चिल्ला दिए फिर भाग गए सभी लोग छन छन के, जब चिल्ला दिए तो दूसरे लोग वो कैसे आ गए थे, जरूरी दो एक आदमी और आए थे, इसके बाद में सब लोग भाग गए। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के लोधीगंज के बाईपास पर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक कानपुर से वेस्ट बंगाल जा रही चार पहिया वाहन ब्रेजा गाड़ी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाईपास को छावनी बना दिया। उस तलाशी के दौरान गाड़ी में सवार 2 व्यक्तियों से 1,20,00,000 रुपये बरामद किए गए हैं और बता दें कि कानपुर के किसी ज्वेलर्स की दुकान में यह दोनों सेल्समैन का काम करते हैं और यह वेस्ट बंगाल पैसा लेकर जा रहे थे। वहीं अभी इस मामले में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।
उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जरिए मजदूरों के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचार को लेकर शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर यहां के मजदूरों के जरिए जुलूस में शाहजहांपुर ड्राइवर यूनियन और महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से अपनी मांगों को लेकर विशाल जुलूस निकाला और जुलूस नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। साथ ही जुलूस में शामिल पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और जुलूस का नेतृत्व उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष उमेश कुमार भारती ने किया और ज्ञापन देते हुए मांग की है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी शासन आदेश को जो कि 25/18 को जारी किया गया था उसे वापस लिया जाए। का धरना प्रदर्शन भी है, दो दिन की हड़ताल भी थी और इसमें हमारी चार मांगे हैं। समस्त विभाग के कर्मचारी राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रोग्राम कर रहे हैं, हड़ताल पे धरने पर हैं और दो दिन का हमारा प्रोग्राम हुआ, आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी चार मांगे हैं। सबसे पहली मांग है पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। दूसरी मांग है हमारी कि हमारा जो न्यूनतम वेतन है सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वो 26,000 किया जाए और जो आउटसोर्सिंग वाले जो वर्कर हैं और रोजगार सेवक वगैरह जो संविदा वाले कर्मचारी हैं इनको जो है नियमित किया जाए और जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था है इसको बंद किया जाए और जब तक नियमित नहीं कर पाती है सरकार तब तक इनको प्रतिमा 18,000 रुपये वेतन दिया जाए। उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन शाहजहांपुर इकाई ने श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है और हड़ताल में टाउन हॉल शहीद उद्यान में सभी सदस्य एकत्रित हुए और बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। रैली घंटाघर बहादुरगंज होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, वहां पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबंधित 12 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा और ज्ञापन देते हुए एसोसिएशन के प्रदेश सचिव अर्षित मिश्रा ने मांग की है कि दवा उद्योग में सभी दवाओं और दवा उपकरणों पर 0% GST होनी चाहिए, न्यूनतम वेतन कानून में संशोधन करते हुए इस सबके लिए लागू किया जाए। ऑल इंडिया FMRI की एक डिमांड थी, 12 सूत्री मांगों को लेकर सारे ट्रेड यूनियंस आज 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं 8 और 9 जनवरी की, जिसके मद्देनजर आज 9 जनवरी को हम लोगों ने शहीद उद्यान से घंटाघर होते हुए और सदर बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट तक आए हुए हैं और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नाम अपनी 12 सूत्री मांगों और उसमें हमारा यूपी में सारे से जो रिलेटेड 3 मांग है, जो सबसे प्राइम मांग जो हमारी है वो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट में जो कंपनियां छेड़छाड़ कर रही हैं उसको सख्ती से लागू किया जाए और उस एक्ट के तहत हमारे सारे एक्ट कवर्ड होते हैं, जैसे कि वेज एक्ट है, बोनस एक्ट है, ग्रेजुटी एक्ट है, रिमुनरल एक्ट करके होता है, मेहनताना एक्ट जिसे कहा जाता है, ये सारे एक्ट उसमें आते हैं और फॉर्म ए के तहत जो कंपनियां हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रही हैं उन कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और केंद्र सरकार से हम लोग मिनिमम वेज 18,000 रुपये इस हड़ताल में प्राइम रूप से मांग रख रहे हैं और इसके अलावा जो दवा होती है जितनी भी दवाइयां हैं उस पर 0 GST होनी चाहिए। मऊ जनपद के जिलाधिकारी प्रकाश विंदु ने स्वच्छता को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने जिले के रतनपुरा ब्लॉक के पैसा गांव के खेल के मैदान में गांव वालों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए गांव में ODF ओलंपिक आयोजन कराया। इस आयोजन के पीछे मुख्य मकसद गांव में स्वच्छता हो जिसके लिए जिलाधिकारी ने जनपद में एक मुहिम की शुरुआत की है, खेलेंगे हम जमकर स्वच्छता के दम पर, जिसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गेम की शुरुआत की गई। खेल को कंसेप्ट से कनेक्ट करके ये है जिसमें हर न्याय पंचायत में कुश्ती के जितने प्रभारी हैं वो अखाड़े के पास चले चल रही है, उसी बहाने लोगों को ODF के आवश्यकता को समझाया जा रहा है और जो भी शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होगा, अस्वस्थ शरीर के लिए खेलना और पूरे से शौक से मुक्ति का भाव लाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम दोनों को कोऑर्डिनेट करके स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये काम कराया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले से है जहां एक और चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ चोर लगातार कहीं ना कहीं चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मामले का खुलासा और चोरों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। तो वहीं इसका उदाहरण कुछ ही महीनों पहले हुई चोरी और लूट की कई वारदातें हैं और साथ ही आपको बता दें कि चोरों ने एक बार फिर चोरी की बेखौफ वारदात को अंजाम दिया और कंधे थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिपरी खालसा गांव में अजय मिश्रा के घर में घुसकर गहनों के साथ कैश पर हाथ साफ किया। तो वहीं वारदात से पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और वहीं कानून व्यवस्था को लेकर कंधे पुलिस का लचर रवैया जारी है।
हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के मुरादपुर में दो दिन पहले छात्रा की हत्या के मामले में खुलासा नहीं होने पर नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सिंभावली थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल दो दिन पहले थाना सिंभावली के मुरादपुर में 9 साल की छात्रा की निर्मम हत्या की गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक छात्रा के भाई को हिरासत में ले लिया था, जिस पर परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। हंगामा की सूचना मिलते ही सीओ मौके पर पहुंच गए और किसी तरह मामले को शांत कराते हुए जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया। सर, हमारी सिस्टर का 8 साल की का चाचा की लड़की का जो है जंगल में शव मिला है परसों जी। अच्छा, पुलिस जो है अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अपनी तरफ से सारी बात है हम लोगों से पूछी, किसी से रंजिश हमारी ना किसी से कोई रंजिश है, ना दुश्मनी है, ना कोई पैसे धेले का विवाद है जी। लेकिन पुलिस जो है उल्टा हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है, पर लड़की के पिता से पूछताछ कर रही है, लड़की के भाइयों से पूछताछ कर रही है, गांव में किसी से पूछताछ नहीं कर रही है। भाई को उठा के ले गई है, पता नहीं अज्ञात स्थान पे ले गई है पुलिस जी। बदायूं में इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के ग्राम समसपुर निवासी थान सिंह ने अपनी बेटी खिलवती की शादी 4 साल पहले इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव पपसरा निवासी सुरेश के साथ की थी। पुलिस को महिला की संदिग्ध परिस्थितियों ने मौत होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही इस्लाम नगर थाना प्रभारी सुधाकर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां ससुराल पक्ष के लोग गायब थे। सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग गाँव पहुंचे, जहाँ उन्हें खिलवती सब फंदे पर लटका मिला। तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली है, लेकिन मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर घर वाले सब फरार हो गए और जो है गला घोट कर उनकी हत्या कर। क्या क्या मांग करते थे, क्यों हत्या कर दी? मांग ये करते थे, तुम्हारे घर वालों ने हमें दे क्या दिया, ये मोटरसाइकिल दी और क्या दिया, 1-2 महीने में, मतलब 1 महीने में 3-4 बार जो है छोड़ आते थे घर पर हमारे, मुझसे समझा के और मतलब वापस भेज देते थे, बोलते थे कि तेरा जीवन यहाँ से थोड़ी करना है, अपने घर से कटना है। फिलहाल मेरे साथ उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों में इतना ही। नमस्कार।